दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी? रात के बज रहे हैं, लगभग 1 बज रहे हैं। देखिए ये 12:57 हो रहे हैं, मतलब ये इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ। अभी जस्ट ड्यूटी से आए थे, शाम में ड्यूटी थी, मतलब दूसरे ज़िले जाना था किसी काम के लिए, मतलब किसी कार्रवाई के लिए, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा समय हुआ। उसी बीच बिहार बीपीएससी का और उसके लगे हाथों बिहार एसएससी का भी नोटिफिकेशन की संभावित तिथि की बात हुई थी, तो संभावित तिथि बीपीएससी का तो 20-22 सितंबर, 2 दिनों में है। आज बिहार एसएससी की बात करेंगे। बिहार एसएससी में उन्होंने टोटल लगभग 9 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, 9 लाख। तो एग्ज़ाम का उन्होंने संभावित तिथि निर्धारित किया है 20 सितंबर, सॉरी सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होंगे। तो कुल मिला जुला के आपके पास 30 दिन इधर, 20, 25, 40, 50 दिन के आसपास हैं। तो ऐसे में अंतिम समय में एक रणनीति ऐसी हो जिससे कि आप प्री एटलीस्ट पास कर जाएं। देखिए बिहार एसएससी में जो मैंने पेपर देखा है, पेपर का मुआयना किया, हालांकि इससे पहला वाला बीपीएससी था, सॉरी बिहार एसएससी था, वो तो दे नहीं पाया था उसी समय। उस समय सीपीओ का इंटरव्यू चलता था, सीपीओ का इंटरव्यू था, इस वजह से इसमें अपीयर नहीं हो पाए थे हम। लेकिन जो पेपर का मुआयना करते हैं और हम पेपर देखते हैं, तो उसमें एक चीज़ है, सिलेबस उनका जैसे डिफाइन है 150 प्रश्नों का, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है 50 प्रश्नों का है, रीजनिंग का है, 25 मैथ है, 25 साइंस, और बाकी में 50 प्रश्नों का जीके जीएस है, जिसमें साइंस हो सॉरी जिन जे सामान्य अध्ययन के प्रश्न साइंस को छोड़ के और कुछ करंट के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अंतिम समय में क्या करना चाहिए? देखिए बिहार में 2 तरीके के सामान्य स्टूडेंट हैं, एक तो जिनका मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया है और एक जिनका मैथ रीजनिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, जीके जीएस बहुत अच्छा है। कॉम्पटिशन जो है यहाँ पे, इस कॉम्पटिशन में जो सबसे मेन फाइट होने वाली है वो प्री में ही होने वाली है, मतलब जैसे 2200-2300 जो भी सीटें हैं, कुल मिला के 5 गुना 6 गुना 12,000 से 15,000 के बीच में रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो बिहार दरोगा से यदि इसकी तुलना करते हैं, जहां 5 लाख लोग थे, 5 लाख छात्रों में 50,000 के आसपास रिजल्ट आ जाता था, लगभग 10% स्टूडेंट पास होते थे, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं 15,000, 9 लाख का कितना परसेंट हो सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन कंपटीशन में 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब जी उनका फ़ायदा होगा, जैसे जिन्होंने रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादा पकड़ बनाया, जिन जो ज़्यादा फोकस किया है, उनको 100% है कि बेनिफिट होगा। अंतिम समय में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा यदि आप फोकस करना चाहते हैं तो मैथ सबसे पहले आप रीजनिंग पे कीजिए। देखिए जब मैं एसएससी की तैयारी करता था, बाकी जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, अभी एसएससी सीपीओ का भी फॉर्म आया, उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसमें 50 प्रश्न जो होते हैं रीजनिंग के, इसमें भी 50 प्रश्न हैं। तो उसमें जो एसएससी के कैंडिडेट होते हैं उनका क्या कोशिश होता है कि जीके जीएस जो होते हैं अनसर्टेन होते हैं, लेकिन रीजनिंग की प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा होती है, तो कोशिश करते हैं कि 50 में 45+ रखें, 45-40, और इतना आना पॉसिबल है, एकदम आराम से आप इतना स्कोर कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा आपने पढ़ा है 8 दिन 10 दिन पिछले समय में, रीजनिंग तो सब लोग समय के साथ पढ़ते रहते हैं, तो आप 40 आराम से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने 40 करा है तो भी यदि फिर भी आप पीछे हैं, रीजनिंग में 45+ आराम से पॉसिबल है। और कुछ लोग जो अभी बाहर भी SSC CGL वाले हैं स्टूडेंट्स, वो किसी कारणवश रुक रहे हैं, बिहार के हैं तो बिहार में आएंगे, तो रीजनिंग में 50 में 50, 48-49 लेके ही आएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और उनके रिजल्ट होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि वो रीजनिंग में 48-49 करेंगे और मैथ में भी 20+ करेंगे, 20, 21, 22। और सबसे बेसिक बात है कि जो SSC CGL के छात्र होते हैं उनको थोड़ा सा समस्या हो सकता है एडवांस में, लेकिन अरिथमेटिक का इतना शॉर्टकट्स चलता है, इतना शॉर्टकट्स वो जानते हैं किसको सॉल्व आउट करेंगे, तो 75 में मतलब 70, 72, 73 वो 100% करेंगे। तो उनको यहाँ 50% में 50% आएगा, बाकी 50% के लिए साइंस CGL का साइंस अटपटा होता है, यहाँ पे भी आपको कुछ वैसे प्रश्न में देखने को मिल सकते हैं। और जीके जीएस में जैसे 50 प्रश्न पूछेंगे तो उसमें 12-14 मुझे लगता है कि 12 के आसपास करंट अफेयर्स आने चाहिए, फिर हिस्ट्री पॉलिटी बाकी के ऐसे 100 प्रश्न होंगे।
तो आपको अंतिम समय में क्या करना है, अभी भी 50 दिनों का समय बचा है। यदि आप सब पे समान वेटेज दे रहे हैं कि मुझे जीके जीएस, जैसे आप मान लो कि सपोज दैट एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, तो आप 4 घंटे या मतलब 5 घंटे, सामान्यतः ऐसा होता है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं सीजीएल छोड़ के बिहार में, तो कंबाइंड तैयारी करते हैं, जैसे बिहार एसआई हो गया और बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया। तो यदि आप स्पेसिफिकली बिहार एसएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं, बीपीएससी में कोई स्कोप नहीं है कि मेंस नहीं हो पाएगा, बिहार सब इंस्पेक्टर फॉर्म आया नहीं है, तो आपको अपनी रणनीतियों में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। चेंज इन द सेंस कि जैसे आप सोच रहे थे कि हम 6 घंटे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और 2 घंटे मैथ रीजनिंग पे देंगे, तो इसके उलट करना होगा आपको, 4 घंटे पूरे के पूरे रीजनिंग पे और मैथ पे मिला के देना होगा। मैंने इसके लिए बुक रिकमेंड किया था, शुरू से मैंने बुक रिकमेंड किया था किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन की बिहार एसएससी जो सीजीएल की होती है, उस वो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर होता है। जैसे मैंने घटना चक्र शुरू में रिकमेंड किया था, बिहार में काफ़ी समय से मतलब घटना चक्र से लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे, बट हम लोगों ने घटना चक्र मैंने पढ़ा था, बहुत बेहतर है वो भी। एग्जैक्टली वही है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है जीके जीएस का, तो छात्रों को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, वो प्रश्नों की प्रकृति को समझते हैं और बाकी लूसेंट क्राउन उसके साथ पढ़ लेते हैं, तो उनका काम हो जाता है। यही आप किरण पब्लिकेशन की मैथ का सॉल्व पेपर, रीजनिंग का सॉल्व पेपर, इसमें 10-10 हज़ार के आसपास का प्रश्न है, यदि आप उसको करते हैं तो प्रश्नों की प्रकृति आपको समझ में आएगी। और आपने मतलब जैसे पूरी बुक में 50-50 रीजनिंग के सेट कितने सेट दिए, उसमें 20 से 25 सेट आपने बना लिए, 25 से 50 सेट बना लोगे, सेट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रीजनिंग एक बार सीख जाओगे तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 45+ स्कोर करोगे। वो इसलिए कि उनका जो पैटर्न होता है सीजीएल के रीजनिंग का, मैथ का, वो बिहार में फॉलो किया जाता है। और रीजनिंग पे आप थोड़ा सा 1 घंटा डेली एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो आप 150 में से वो 50 प्रश्नों को में से 45+ करेंगे, तो आपको एक मतलब 5 प्रश्नों का एज मिलेगा, 6-7-8 का भी मिल सकता है, 40 तो आप कर सकते हो, 35-37 वो सामान्य तो सभी लोग करेंगे, लेकिन 45 से 47-48 करोगे रीजनिंग किरण पब्लिकेशन की लोगे, तो वो मेन्स में भी यूजफुल होगा। और बाकी एक रीजनिंग का एक पैटर्न मतलब जो सिंपल एग्ज़ाम के लिए भी हर एसएससी फॉलो करेगा वो हो सकता है। मैथ को मैंने इसलिए बताया था कि जो सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं किरण पब्लिकेशन के मैथ में, वो बिहार एसएससी के एग्जाम में आएंगे। एक वीडियो मैंने बहुत पहले बना के रखा था कि देखिए डायरेक्ट एकदम एकदम डायरेक्ट, बस डेटा चेंज करके, पैटर्न वही है लेकिन डेटा उन्होंने चेंज कर दिया था। क्वेश्चन है 20-25 क्वेश्चन, 25 में से 21-22 प्रश्न जो मैथ के हैं किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर से हैं, प्रीवियस ईयर इन द सेंस मतलब जो एग्जाम में आए हैं, वो इसलिए कि एग्जाम का पैटर्न वही है, CPO, CGL, MTS और CHSL, ऐसे एग्जाम्स जो हैं उसके प्रश्न बिहार एसएससी फॉलो करती है। तो इन दोनों के लिए आप कम समय में, यदि आप एक दिन में 8 घंटे का टाइम देते हैं, तो आपको 4.5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे तक मैथ रीजनिंग में देना चाहिए। 75 में से आप 70-72 भी कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट होगा 100% तो करेंगे, और आप देखिएगा। और इसके बाद बचते हैं 25 प्रश्न साइंस के, तो साइंस में प्रश्नों को करने के लिए एक घटनाचक्र की पुस्तक को प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा लूसेंट क्राउन में से दोनों एक पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से साइंस को करिए। देखिए साइंस 25 नंबर का है, तो उस पर आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। हम लोगों ने अपने ग्रुप में, जो हमारा पेड ग्रुप है, काफ़ी कुछ कराया था 25 प्रश्नों के लिए। हम लोगों ने यूथ वगैरह के भी बुक्स को करवाए थे, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 25 प्रश्न के लिए 2 बुक साइंस के लिए काफ़ी हैं। थोड़ा से प्रश्न स्टैंडर्ड हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों के, स्टैंडर्ड प्रश्नों के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे या एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उतना फोकस यदि आप मैथ रीजनिंग पे देंगे तो एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। बीपीएससी के पेपर 1 में भी जो स्टैटिस्टिक है उस पे लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो 72 में 68, 69, 68, 69 ऐसे करके आता है, और वही पेपर 1 में रिजल्ट बूस्ट करता है। सेम यही बात है बिहार एसएससी में, मैथ रीजनिंग पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है, फिर साइंस के लिए 2 बुक आप फॉलो कर सकते हैं अंतिम समय में। शुरू में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा है, अंतिम समय में घटनाचक्र साइंस के लिए पढ़िए और एक लूसेंट क्राउन में से 1 बुक को पढ़िए। उसके बाद प्रश्न जो आएंगे सबसे ज़्यादा करेंट के आएंगे, तो करेंट के लिए आप दोनों मैगजीन में से, 2 मैगजीन में से 1 मैगजीन स्पीडी या एडुटेरिया में से 1 फॉलो कर सकते हैं। एक ही फॉलो करना है, हम लोग स्पीडी करा रहे हैं तो आप स्पीडी कर सकते हैं, अभी एडुटेरिया चल रहा है तो एडुटेरिया आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रतियोगिता दर्पण की महती भूमिका होती है, तो अभी हम लोगों ने अपने ग्रुप में प्रतियोगिता दर्पण से 1 साल के ईयरली में से 1000 प्रश्न दिए हैं जो गारंटीड बिहार में एग्जाम होगा, उसमें से 80 से 90% लड़ेगा। रेलवे के एग्जाम्स में भी प्रश्न काफ़ी डायरेक्टली भिड़ रहे हैं।
तो आप उसके बाद करंट पढ़ेंगे। अब समय जो बचेगा तो आप एक सब्जेक्ट के लिए जैसे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, अब बहुत ज़्यादा अलग से टाइम नहीं दे सकते, तो आप एक बुक पे फोकस कीजिए। मान लीजिए कि 12 करंट होते हैं, 14 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, उसके बाद 50 में से 38 बचते हैं, तो 38 प्रश्नों के लिए आप अलग अलग बुक के इसका घटनाचक्र, इसका स्पीडी, इसका परीक्षावाणी या इसका मतलब ये पढ़ लेते हैं उस 38 प्रश्नों के लिए। उससे अच्छा है कि आप एक बुक पे कमांड करिए और सेम टाइम दीजिए साइंस पे, मैथ पे, रीजनिंग पे। एक बेसिक फंडा है जो एग्ज़ाम में मतलब आप अपने एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो जो आपको प्रश्न पता होएगा कि ये गलत हो रहा है, उसके टॉपिक को आप एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से पढ़ सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा, 100% रिजल्ट होगा। मैथ रीजनिंग को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और यहाँ पे साइंस को दीजिए, उसके बाद एक बुक को फॉलो कीजिए, रिजल्ट होगा। और हमारे ग्रुप से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, अभी भी हम लोग डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, डेली सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बेहतर है, लेकिन ग्रुप से जुड़ेंगे तो आप टाइमिंगली 2-1 महीने 1.5 महीने में भी एक अच्छा मतलब रन कर सकते हैं। करंट तो एटलीस्ट हमारे ग्रुप से बाहर कहीं आने का नहीं है, हम लोग क्राउन का जो चल रहा है वो चल ही रहा है, घटनाचक्र भी साथ में चला रहा है और सेट भी चल रहा है। ये तो ग्रुप की बात होगी, बट सेल्फ स्टडी आपको करना है तो इसी मोड में करिए, रिजल्ट होगा। देखिए मोबाइल गर्म हो गया है करने के चलते, लेकिन एकदम सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है बुक की। और बाकी लोग आपको और कोई समस्या है तो आप कह सकते हैं, उसके बाद और भी हमारे से जो मतलब एक्स्ट्रा पुरोधा लोग हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।